हेलो गाइस, दोस्तों अगर आप कम पढ़े लिखे और ग़रीब हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोई बड़ा कारोबार कर सकें, आज इस वीडियो में आपसे एक बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूं जिसको आप बहुत ही कम सरमाए से शुरू कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना कमा सकते हैं। बाकी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको नमक की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। आप फैक्ट्री का नाम सुनकर शायद सोच में पड़ गए होंगे कि ये बंदा तो लाखों करोड़ों की बातें कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 10 हज़ार रुपये हैं तो आप आसानी से नमक की फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक आटे की छोटी चक्की लेनी होगी जिसको हाथ से चलाया जाता है। अगर आप चक्की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार से साबित नमक के पत्थर ख़रीद लें या जिसको नमक के डले भी कहते हैं। इन डलों को घर में लाकर हथौड़े की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लें और फिर आपने आटे वाली चक्की की दुकान पर जाकर इस नमक के बड़े टुकड़ों को बारीक पिसवा लेना है, जो कि दुकानदार बहुत कम पैसों में आपको पीस कर दे देगा। या फिर आपके घर में ऑलरेडी आटे की चक्की मौजूद है तो आप उसकी मदद से भी नमक के टुकड़ों को पीस सकते हैं। नमक को पीस कर आपने दूसरा काम ये करना है कि अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं तो राजा बाज़ार चले जाएं, अगर लाहौर में रहते हैं तो शाह आलम मार्केट, और अगर कराची में रहते हैं तो जोड़िया बाज़ार चले जाएँ। आप जिस इलाके, गाँव या शहर में रहते हैं वहाँ की मार्केट को सर्च कर लें। मार्केट से आपने पैकिंग करने वाले शॉपर्स ख़रीदने हैं। नमक को शॉपर्स में पैक करें। शॉपर्स को सील करने के लिए आपको एक सीलर मशीन भी ख़रीदनी होगी जो कि 2000 से लेकर 2500 तक आपको मिल जाएगी। इस तरह आप नमक को सील कर लें और आसानी से मार्केट में फरोख्त करें। इस तरह के मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।